दिया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उससे ज़्यादा जो मुस्लिम एमएलए की जो खामोशी है, आपको हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। जब लिंगायत इश्यूज़ के ऊपर, ओबीसी इश्यूज़ के ऊपर, दलित इश्यूज़ के ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन उनके लीडर्स करते हैं, तो तुम्हार को क्या हुआ है? तुम्हारी जबान को क्या हुआ है? इतना डरपोक क्यों है? क्या आपको बी फॉर्म नहीं मिलता बोलकर? आपको राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई बोला, सोनिया गांधी के ऊपर बोला, तो आपको तिल मिलाती? माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है या माइनॉरिटी के जो लीडर्स है कांग्रेस में, सोनिया गांधी को बोल सकते, प्रोटेस्ट निकलते? तुम्हारी माँ बहन के बारे में इतनी गंदी बात करा, शर्म होना चाहिए माइनॉरिटी लीडर्स को, अब तक कुछ नहीं बोले। क्या माइनॉरिटीज तुम्हारे घर का एक टिश्यू पेपर है जो तुम अपनी मनमानी के हिसाब से वोट करवा लोगे? वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं छोड़ेंगे, प्रियंका खड़गे को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये 9 MLA जो है मुस्लिम MLA ना, इनको छोड़ेंगे। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. India एक republic country है. Republic country का मतलब public का representation. Democracy में public का representation vote के जरिए से जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी के जो concept है उसको लेकर elections होते हैं, voting करते हैं. जब कोई भी लिंगायत इश्यूज़ के ऊपर अगर लिंगायत MLA बात करता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, दलित इश्यूज़ के ऊपर दलित MLA बात करता है तो उसकी वाहवाही हो जाती है, ओबीसी MLA के ऊपर अगर कोई जुल्म ज़्यादती होते हैं उनके इंसाफ के लिए अगर ओबीसी MLA बात करते हैं तो उनको तारीफ़ किया जाता है। ये जो धारा नीति, जो मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर अगर मुस्लिम MLA अगर कोई बात करे या कोई भी बात करे, उसको हेट माना जाता है, उसको क्राइम माना जाता है, उसको एंटी पार्टी माना जाता है। ये दोहरी नीति किस लिए? यही कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शंस के टाइम पर खुलेआम माइनॉरिटीज़ का हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी बीजेपी एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज लाई है हम उसको वापस लाएंगे बोलकर हम तो 55 लाख तकरीबन मुसलमानों के 90% 92% वोट लेकर आने के बाद आज गवर्नमेंट में आकर 6-7 महीने हुए, आज कुछ करने से पहले वो बीजेपी IT सेल से डरती है, कुछ करने से पहले दिल्ली में जो बैठी हाई कमांड है उससे डरती है। अगर उतना ही डर था तो जब वोट मांगते टाइम पे क्यों बोले? 2013 में ही सिद्धरामैया जी ने कहा था कि कल्लड़गा भट्ट मंगलूर के एक रैली में, इलेक्शन रैली में सिद्धरामैया साहब खुद बोले थे कि ये जो प्रभाकर भट्ट है मंगलूर का, हमारी गवर्नमेंट है तो हम उसको जेल में डालेंगे बोलकर 2013 में बोले थे। 10 साल होने को आए, फिर वापस इनकी गवर्नमेंट आई, आज तक भी उसको जेल में डालना तो छोड़ के बाद पुलिस स्टेशन बुलाकर उसको आज तक पूछे नहीं। रिसेंटली जब हाल ही में हमारे माँ बहनों के ऊपर जब वो टिप्पणी किया है, इतने बुरे अल्फाज बयान किया है कि मुसलमानों को हर एक दिन एक नया नया शौहर मिलता था, उनको मोदी जी की वजह से उनको एक परमानेंट गंडा मिला, उनको जो इतनी गलीज बात किया है, इसके खिलाफ जब कुछ एक्टिविस्ट ने कोर्ट में इनकी तो औकात नहीं थी FIR करने की और उसको अरेस्ट करने की, पूरे कर्नाटक से जब एहतजाज हुआ मंडिया में FIR हुआ, वो FIR होने के बावजूद भी कम से कम 7 से 8 IPC सेक्शंस हैं, वो भी नॉन अवेलेबल सेक्शंस हैं। चाहिए तो ये था कि बिना प्रोटेस्ट के वो कानून के दायरे में रखकर उसको अरेस्ट किया जाता, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता और जस्टिस को दिया जाता, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट क्या हलफनामा देती है कोर्ट में कि हमारा इरादा नहीं है इसको अरेस्ट करने का, तो बेल मिल गई उसको। तुम बोलते एक हो और करते एक हो, ये जो दोहरी नीति है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कंडेम करती है। 10,000 करोड़ का माइनॉरिटी का बजट आपने वादा किया, आपने दिया कितना? 2,200 करोड़ दिया, लेकिन ग्राउंड पे दिसंबर के एंड तक हम जब चेक कर रहे हैं सिर्फ 200 करोड़ हमारे को दिए हैं। 200 करोड़ मतलब कितना? सिर्फ 10% दिए हैं। मतलब क्या होता है जब 10,000 करोड़ बोलकर 2,000 करोड़ देते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पे सिर्फ 200 करोड़? सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ के स्कॉलरशिप का, माइनॉरिटीज़ का खाली एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। हम मुसलमान MLA को जो वोटर डाले हुए, हमारे जो उलमाए कराम इंटेलेक्चुअल्स पब्लिक खुश हो रही है खाली क्या देख कर? ये नोटिफिकेशन देख कर, एडवर्टाइजमेंट देख कर, लेकिन ज़मीनी सतह पर सिर्फ 10% हमें बजट दिया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उससे ज़्यादा जो मुस्लिम MLA की जो खामोशी है, आपको हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। जब लिंगायत इश्यूज़ के ऊपर, ओबीसी इश्यूज़ के ऊपर, दलित इश्यूज़ के ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन उनके लीडर्स करते हैं, तो तुम्हार को क्या हुआ है?
तुम्हारी जबान को क्या हुआ है? इतना डरपोक क्यों है क्या आपको बी फॉर्म नहीं मिलता बोलकर? आपको राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई बोला, सोनिया गांधी के ऊपर बोला तो आपको तिल मिलाती? माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है या माइनॉरिटी के जो लीडर्स है कांग्रेस में, सोनिया गांधी को बोल सकते प्रोटेस्ट निकलते? तुम्हारी माँ बहन के बारे में इतनी गंदी बात करा, शर्म होना चाहिए माइनॉरिटी लीडर्स को, अब तक कुछ नहीं बोले। और वो आदमी को गवर्नमेंट एफिडेविट देती है, गवर्नमेंट का लॉयर बोलता है कि हमारा इरादा नहीं है इनको अरेस्ट करने का, तो फिर आईपीसी सेक्शंस क्यों डाले हैं? नॉन अवेलेबल सेक्शंस क्यों डाले हैं? मजाक उड़ाने के लिए? थोड़े दिन पहले सिद्धरामैया साहब बुरखा के ऊपर बात करें, हम बुरखा निकाल रहे बोले, हाईकमांड से वहाँ से क्या नोटिस आया कि वहाँ से क्या फटकार पड़ी कि यू टर्न लिया हुआ 24 घंटे के अंदर? ये शर्म आना चाहिए सिद्धरामैया गवर्नमेंट को और पूरी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। क्या 1 करोड़ माइनॉरिटीज़, क्या 1 करोड़ मुस्लिम्स कनाडा का नहीं है? क्या हम भारत के वासी नहीं है? हमारे बारे में बात करना जुर्म क्यों है? हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करना क्राइम क्यों है? हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करना क्रिमिनल क्यों हो जाता है जबकि सबके ऊपर बात करते हैं? हम क्या कुछ ऐसे डिमांड कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप जो मैनिफेस्टो में बोला है उसी को बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हक है उसी को बात कर रहे हैं। जब भी SDPI कुछ बात करती है, अरे तुम कम्युनल माहौल क्रिएट करते हो, तुम ऐसा करते हो, अरे हम हक की बात कर रहे हैं। गुलबर्गा नॉर्थ में हम सब मिलकर के आलम कांग्रेस को जीता है या कनीस फातिमा को जीता है, इनका फ़र्ज बनता है कि हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करें, हमारे तकलीफ़ों के ऊपर बात करें। अगर नहीं बात कर सकते तो MLA कुर्सी छोड़ना है। बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो इश्यूज़ के ऊपर काम करने वाले, सिर्फ आप ही नहीं हैं। आप पहले एक थे, अब एक हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड पूरे, खासकर 9 जो मुस्लिम MLAs हैं, आपको वोट, आपको हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है विधानसभा में बेंगलुरु के, आपको इसलिए भेजा है कि हमारे लिए बात करें, ना कि पार्टी के चमचागिरी करने के लिए आपको नहीं भेजा है, पार्टी की गुलामगिरी करने के लिए नहीं भेजा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे डिमांड करती है कि आप लोग हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करें, अपनी गवर्नमेंट में, अपनी कैबिनेट में बात करें। क्या बोले थे कि पहले कैबिनेट में 2B रिजर्वेशन के ऊपर हम वापस लेंगे, जो 4% रिजर्वेशन है देंगे बोले। कम से कम 10 से 12 कैबिनेट मीटिंग्स हुए, 6 से 7 महीने हुआ, वापस लूने की दूर के बाद एजेंडे तक में बात नहीं करें आप। ऐसे आप गूंगे और बहरे सरकार है, ऐसे गूंगे और बहरे MLAs हैं। तो SDPI डिमांड करती है कि आप अपना मुंह खोलना है। कांग्रेस नहीं तो नहीं, हम आपके साथ हैं, कर्नाटक की आवाम आपके साथ है, पूरे 9 मुस्लिम MLAs को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं। आप बात कीजिए, आप हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे। सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दम पे आप नहीं रहना है, आप हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करना है। SDPI का यही डिमांड है। शुक्रिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे रियासत भर में मुस्लिम MLAs जो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ठहर करके जो जीत करके गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ये बातें बताते गए हैं, जताते गए हैं कर्नाटक के मुसलमानों को, बैकवर्ड क्लासेस को, दलित्स को, कि हम आने के बाद तुम्हारे राइट्स के बारे में बात करेंगे और ये हमारा जो है मैनिफेस्टो रहेगा और ये मैनिफेस्टो में आपके एजेंडाज ये इस तरह के रहेंगे। मैं सवाल कांग्रेस की सरकार से पहले इन मुस्लिम MLA से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी गैरत मर गई है जो हज़ारों की तादाद में मुसलमानों के वोट लेकर के, आदिवासियों के वोट लेकर, मुसलमानों के, सेकुलर के वोट लेकर के उनके बारे में जब बात करने की बात करते थे, वो एजेंडाज बताते थे, वो मैनिफेस्टोज बताते थे, वो किधर चला गया? क्या माइनॉरिटीज़ तुम्हारे घर का एक टिश्यू पेपर है जो तुम अपनी मनमानी के हिसाब से वोट करवा लोगे और उन्हें डिग्निफाइड लाइफ नहीं दे सकोगे? तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाल में जबकि तुमने ये सारी चीज़ें कही कि ये कर्नाटक कन्नडिगास का है, कर्नाटक कन्नडिगास का है, मुस्लिम्स का नहीं, हिंदूस का नहीं, जब कन्नडिगास का है तो मुसलमान भी तो कन्नडिगास ही है। जब मुसलमान कन्नडिगास हैं तो कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी यह होती है कि वो पूरी जिम्मेदारी से, कल्लड़ का भट्ट कौन है, हु द हेलिम, जो हमारे ताल्लुक से बात करता है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स को यूज करता है और डेमोक्रेसी के तार तार बिखेर करके रखता है और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चमचागिरी करती है, कितनी शेमफुल बात है। और सिद्धरामैया जिनको हम समझते थे एक सेकुलर चैंपियन है, एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है, आज उनसे ये पता चलता है कि वो डिप्लोमैट कभी भी टर्न लेने वाला लीडर है, वो किसी का नहीं हो सकता। CM, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये CM मुसलमानों का होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य के जनता
कन्नड़िगास, हर कन्नड़िगास का वो सीएम होता है और वो कन्नड़िगास का रेस्पेक्ट करना पहले सीखे। और जो आज तक का हमारे जो माइनॉरिटीज के जो डिमांड्स हैं, क्या है, तुम असेंबली, पार्लियामेंट, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट किसको सिखा रहे हो भाई, किसको सिखा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कैबिनेट नहीं है? वो कैबिनेट में क्यों तुम पास करके, रेजोल्यूशन पास करके सबमिट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के सामने, हिजाब के ताल्लुक से रहे या कोई और इश्यू जो बीजेपी ने लिफ्ट करके कम्युनलाइज किया था, तुमने उसको क्यों क्रैक नहीं कर पा रहे हैं? ये तुम्हारी सोची समझी साजिश है माइनॉरिटीज को दबाना, और तुम सॉफ्ट हिंदुत्व कॉर्नर खेल करके इस देश के अंदर टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए इस मुल्क को बहुत ही घातक तरीके से डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं और क्या कहेंगे उसको खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं। मेरा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा ये है कि मुस्लिम MLA जिनको हम मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी समझ करके, जो इंटेलेक्चुअल्स, उलमाज और मामूली लोग जो रक्षा चलाने वाले भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ करके अगर वोट डाल के जिताया है, अगर उनको इज्जत की जिंदगी नहीं दिलवा सकते और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता हुआ अगर देख सकते हैं, तो मैं बोलता हूं कि आने वाले दिनों में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप हमारे बारे में बात करने के लायक हैं और काबिल हैं, तो आप उस जगह पर बैठिए, हम आपके बैकिंग करेंगे। यह आज नहीं, पिछले कई जमानों से हम ये कह रहे हैं कि अगर आप माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स के बारे में अगर आप बात कर सकते हैं, तो उस पोस्ट पर जहां पर आपको इज्जत और विकार हमने अता किया है जमहूरियत के अंदर, अगर वो इज्जत और इसके लायक अगर नहीं है, तो आप कुर्सी छोड़ करके उतरिए, कोई और जाएगा, कोई और बात करेगा। और मेरी एक बहन हिजाब पहनती है और वह हिजाब वाली बहन दूसरी बहनों के, कन्नड़िगा बहनों के बारे में ये सुनती है कि उसके कई मर्द थे, एक मर्द को मोदी जी ने कन्वर्ट करवाया, तो शर्म की बात है। उसने क्यों एहतजाज असेंबली के अंदर नहीं किया, क्यों उसने एहतजाज को लीड नहीं किया, क्यों उसने जा करके केस नहीं दर्ज करवाया? मैं उस बहन से पूछता हूँ, तुमको हमने वो विखार दिया था, तुम्हें वो मकाम और मर्तबे पर बिठाया था, वो पोजीशन पर हमने लाया था, तुम्हें इज्जत दिलाई थी हमने समाज में, और हमने ये साबित कर दिया कि सेकुलरिज्म का जो बुनियाद होती है वो गुलबर्गा के अंदर हमने बुनियाद को बताया कि हम हमारी वुमेन्स को भी हम वो पोषण मकाम बता कर सकते हैं। तो तुमने क्यों अपनी बहनों की रक्षा के लिए चुप्पी साधी रखी? क्यों तुमने असेंबली के अंदर क्यों नहीं बात की? क्यों तुमने कंप्लेंट और केस क्यों नहीं दर्ज करवाया? क्यों तुम अपने कैबिनेट के अंदर या अपने मिनिस्ट्री लेवल में उस बात को क्यों नहीं चलाई? मेरा क्वेश्चन मोहतरमा कनीज फातिमा, जो मेरी से ईमानी बहन है और वो मेरी यहाँ की MLA भी है, बीइंग एन रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ गुलबर्गा, बीइंग एन अपोजिशन लीडर, मैं आपको ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप नहीं बोल सकती है तो आप अपनी कुर्सी से उतरिए, माँ सलाम करिए, किसी और को बिठाया जाएगा और वो काबिल होगा और हमारी बहनों और हमारे हर कन्नड़िगास के बारे में बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम। सियासत में कुछ बहुत सारे ऐसे सीखना पड़ रहा है जो 75 साल में नहीं सीखे, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लीडर्स, ये कांग्रेस के फॉलोअर्स, इनका जो प्रोपोगंडा रहता है, इनकी जो एक फैक्ट्री जो रहती एक चॉकलेट बनाकर देने की, वो बहुत अच्छी तरीके से बातों में रहती है, उसके एग्जांपल्स अगर प्रैक्टिकल रोड पे देखें तो वो एक अलग रहते हैं। क्योंकि इलेक्शन जब आता है, इलेक्शन खरीब जब आता है, इनको जब वोट होना रहता है तो इनकी ज़बान से बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब इलेक्शन आता है, इम्प्लीमेंट बात करने की बात आती है, तो तब ये भूल जाते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। उसका एग्जांपल एक है, शाहबाद के अंदर वार्ड नंबर 25 का एक बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस वालों ने किसको सीट दिया ये गुलबर्गा में किसी को नहीं मालूम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये प्रियंका खड़गे साहब कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि मीडिया में बैठकर एक अलग बैठ देते हैं और जब बात आती है काम करने की तो तब अलग करते हैं। उसको जाकर आप देखिए, SDPI के खिलाफ लड़ाकर जिताने के लिए एक कैंडिडेट कांग्रेस वालों को नहीं मिला था, वो जाकर किसको टिकट देते हैं, जो इनके अब्बा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो MP इलेक्शन में जो लड़े थे, उन्होंने हारने के बाद एटम बम उड़ाया है, वो शख्स को टिकट दिए हैं नो। और दूसरी बात, मत्तेमुड़ जो BJP का रूरल का MLA है, वो जीतने के बाद अपने घर के पास एटम बम उड़ा के खुशी मनाता है, तो ये प्रियंका खड़गे साहब उसको बुलाकर कांग्रेस की सीट दिलाकर जिताते हैं, वहाँ पर सेकेंड पोजिशन पर SDPI आती है। यानी कि इनको समझ में आ रहा है आने वाले टाइम से SDPI से बहुत ज़्यादा खतरा है, और आपको खाली ये इनडायरेक्ट सिग्नल्स दे रहे हैं, ऐसे आपके काले कांड जो है संघ परिवार के साथ मिलकर इंटरनल जो करते हैं, उसका और बहुत सारा चिट्ठा हमको बोलने मत लगाइए। अगर आप ये बोलने पर मजबूर करेंगे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं छोड़ेंगे, प्रियंका खड़गे को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये 9 MLA जो हैं मुस्लिम MLA ना इनको छोड़ेंगे। हम इनको आज इजीली एक वार्न कर रहे हैं
क्योंकि हमारे को कुछ पाबंदी है, हम आपको एक अच्छे दायरे में आपको समझाएं। ये लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले दिनों में और बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाते हैं इंशाल्लाह। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारी हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।